दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीस स्ट्रेटजी में। चूँकि बार बार फ्रेंड्स आपकी जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीस स्ट्रेटजी पर। दोस्तों आप लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं कि सर करंट अफेयर पर वीडियो बनाया जाए, और चूँकि मैंने कई वीडियोस करंट अफेयर पर बना दिया है, और आप जाके जो भी मेरा यूट्यूब चैनल है इसमें आप लिस्ट में जाएंगे तो करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा एक दो तीन वीडियो पड़ा हुआ, तो आप इसमें जो है समझ सकते हैं कि किस तरीके से करंट अफेयर की स्टडी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो है अभी कई साथियों ने कहा कि सर करंट अफेयर पर एक और वीडियो बनाया जाए, तो मैं जो है करंट अफेयर पर फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्ट्रेटजी है किस तरीके से होनी चाहिए, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि करंट अफेयर, चूँकि आपको पता होगा कि करंट अफेयर में 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं हमेशा यूपी टेस्ट में, और ये 40 प्लस भी हो जाता है, ये जो है एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के कितना करंट अफेयर क्वेश्चन रखता है। बट हाँ, 30 से 35 मिनिमम क्वेश्चन आते ही आते हैं करंट अफेयर से, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर यूपीपीएससी प्री को पास करने के लिए। तो आज मैं बात करूंगा कि करंट अफेयर में क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कहां तक पढ़ना चाहिए, क्या सोर्स होना चाहिए, मैंने बताया हुआ है। बट जो है अभी चूंकि प्रीवियस वीडियो में कई साथियों ने कमेंट किया था कि सर करंट, शायद उन्होंने देखा नहीं था कि मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें किस तरीके से स्ट्रेटजी तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो मैं आज फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले दोस्तों मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि मेरा जो यूट्यूब परिवार है वो 1000 प्लस फैमिली मेम्बर्स में हो गए, तो आप सबका बहुत ही आभार रहेगा कि आपने जो है इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया इस चैनल को, और आशा है कि इसको बहुत ही जल्द और बड़ा यूट्यूब परिवार बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, इसमें देखिए करंट अफेयर्स का जो है जो भी है, अभी आपको पता है कि 27 अक्टूबर से एग्ज़ाम है, ठीक है, 27 अक्टूबर को से पीसीएसपी का एग्ज़ाम डेट आपको पता ही होगा। तो इसमें आपको अक्टूबर में जो है अक्टूबर का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो भी पेपर बनाया जाता है वो 15 से 20 दिन पहले पेपर बन जाता है, कम से कम 15-20 दिन पहले पेपर बन जाता है, तो उस मंथ का करंट अफेयर बहुत कम आता है। मतलब जैसे 27 अक्टूबर है तो आप 5 अक्टूबर तक का पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसमें पूरा सब डिस्कस कर दूँगा, आपको क्या है कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा। इसमें आप 5 अक्टूबर तक करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसके बाद आप नहीं पढ़ेंगे, 5 या 7 अक्टूबर तक पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप 5 ही तक पढ़ेंगे, 5 तक पढ़ सकते हैं या 8 तक पढ़ सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं, बस 5 से 7 अक्टूबर तक इनफ है, उसके ज़्यादा आप, उससे ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसके आगे का क्वेश्चन आएगा नहीं, तो 5 अक्टूबर तक पढ़ें, जहाँ तक मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, यहाँ इससे ज़्यादा इसके ऊपर जो भी डेट है वो करंट अफेयर के लिए यूज़फुल नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। और अब मैं करंट अफेयर का जो टाइम पीरियड है कि कहाँ से कितना पढ़ना चाहिए आपको, ये मैंने बताया हुआ था, बट फिर से मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि देखिए जनवरी से, जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम है, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी आप कहाँ पर हैं, जून जुलाई अगस्त में हैं, और अगस्त में आज जो है कितनी 12 अगस्त है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब आज 12 अगस्त है और अभी भी आपके पास पूरा सितंबर बचा हुआ है, आधा मंथ ये बचा हुआ है, ठीक है, इधर 27 अक्टूबर मान के चलिए ये भी पूरा महीना ही, इसको पूरा महीना मैं ऐड करूँगा, 30 डेज मान लीजिए यहाँ भी आपके हैं, 30, 30, 60, 10, 70, तब मोटा माटी आपके पास अभी भी 70 डेज हैं, 70 डेज हैं, 70 डेज बहुत होता है फ्रेंड्स, कोई कम नहीं। अगर आपने अभी करंट अफेयर को नहीं पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से अभी पूरा कवर कर सकते हैं। तो आप करेंगे क्या, तो मैं इसको दो पार्टों में जो सेपरेट करूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे इसको 4 मंथ इधर, बाकी इधर 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 मंथ है फ्रेंड्स, अभी तक का जो ट्रेंड एनालिसिस रहा है कि यहाँ से करंट अफेयर के 80% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम के शुरू के 3 से 4, 5 महीने होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ के करंट अफेयर आपको अभी से ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए और बहुत ही अच्छे से तैयार करना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए। और साथ ही में ये जो मंथ है यहाँ से भी करंट अफेयर आएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से भी 20% प्रश्न बनता है, बट यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा, या जो कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ होती हैं या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ होती हैं अप्रत्याशित, तो इस तरीके के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो जो है आप यहाँ से तैयार करेंगे। और इतना मैंने टाइम पीरियड आपको बता दिया है, उसके आगे पीछे का नहीं पढ़ना, जाके आप फिर से दिसंबर और 2023 का पढ़ने लग जाएंगे, तो जहाँ तक मैंने हमेशा से यही किया है और आपको भी यही बता रहा हूँ, आप जो है ऐसे ही जो है शुरू का इधर का जो 4 मंथ है इसको उतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, हाँ इधर का जो मंथ है उसको ज़्यादा टाइम देंगे, बट हाँ इसको छोड़ना नहीं, यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पढ़ना है, जैसे
कि भारत में कोई प्रथम हो गया, उत्तर प्रदेश में कुछ प्रथम हो गया, या कोई कोई ऐसी एक्टिविटी जो जो है बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, जैसे जैसे कि आप कोई स्पोर्ट हो गया है ना, इस टाइप के क्वेश्चन, टेनिस हो गया, जो वर्ष में केवल एक ही बार घटित होता है, उस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको फिर चाहे वो जनवरी मंथ का हो फरवरी मंथ का हो, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वो यूनिवर्सल, वो इम्पॉर्टेंट हो गया आपके लिए, क्योंकि अब वो दोबारा उस ईयर में नहीं घटित होगा, इस वजह से वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इससे उसमें मायने नहीं रखता है कि वो जनवरी का है कि फरवरी का है कि अगस्त का है, ये चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा। हाँ, जो बेकार के क्वेश्चन हैं वो यहाँ उतने नहीं पूछे जाते हैं, इस मंथ में ज़्यादा एग्जामिनर कंसंट्रेट रहता है, तो इसमें आपको जो है अच्छे से थोड़ा, अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उसको भी आपको तैयार करना पड़ेगा। वो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज क्या है मैं बता दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा मैं इस पर सेपरेट, कई साथियों ने जो है इस पर ये रिक्वेस्ट किया कि सर जो है एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हों, चूँकि दोस्तों करंट टाइम की पर्याप्त उपलब्धता की ना होने के कारण मैं उतना वीडियो नहीं बना पाता, बट जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कितना आप सबको जो है बेनिफिट पहुँचा सकूँ और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो मेरे वीडियो के द्वारा। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए या इसके बाद जो भी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें करंट अफेयर के क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए जहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, मतलब अगर उतना करेंगे तो, जैसे मान लीजिए कि अगर 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ से कम 25 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं मैं आपको बता दूंगा, आप उनको अच्छे ज़रूर पढ़िएगा, मतलब कहने का ये है कि उन टॉपिक्स में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए उन टॉपिक्स में ये भी बता दूंगा अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है। और देख सकते हैं कि ये आपका मंथ मैंने बता दिया, अब मैं सोर्स बता दे रहा हूँ कि ये जो सोर्स है, सोर्स में आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, मुझे पता है अंतिम के समय में जो भी स्टूडेंट होता है वो काफ़ी कंफ्यूज होता है कि कहाँ से पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, तो सोर्स में मैंने बताया हुआ कि घटनासार इज़ द बेस्ट, ठीक है, अभी घटनासार आप उठाइए। घटनासार फ्रेंड क्वालिटी मुझे ये समझ में आती है कि इसमें बकवास क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसमें मान लीजिए इसमें शुरू के जो दिए होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सीधे सीधे वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसमें जो फर्जी के क्वेश्चन होते हैं वो नहीं दिए जाते, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन 10-20 छोड़ दिए जाए, अगर एक्सेप्शन, तो आपको पता ही होगा कि हर जगह एक्सेप्शन होता है, कोई चीज़ 100% सही नहीं होती है, ना कि रॉन्ग होती है, तो यहाँ पर जो है आप घटनासार को अच्छे से पढ़ेंगे, जनवरी से अभी जून तक का घटनासार आया हुआ है, आप उसको खूब अच्छे से पढ़िए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आपको और भी घर पीज पढ़ना, आप जो है कोई भी और मैगजीन परचेज कर सकते हैं, बट मैं घटनासार को फॉलो भी करता हूँ और मैंने इससे हमेशा से ही अच्छे क्वेश्चन जो है जो भी एग्ज़ाम में आते हैं मैंने कवर भी किया और मेरा सही भी हुआ है जैसे। और कोई अगर और मंथली मैगजीन आप पढ़ते होंगे तो उसको भी पढ़ते रहिए, आप कोचिंग का कोई नोट्स हो गया, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो है और कहीं से नहीं पढ़ेंगे, बट मेरा जो मैं मानना है कि घटनासार काफ़ी अच्छी करंट अफेयर की होती है, टॉपर्स भी इसको बताते हैं, तो आप यहाँ से पढ़िएगा, करंट घटनासार से बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। साथ ही जब ये अभी एग्ज़ाम और पास आ जाएगा तब एक नई घटनासार आ जाएगी जिसमें आपका ये जो सारा पढ़े रहेंगे वो भी क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट, और जो भी नेक्स्ट और भी जो अपडेट हुई होंगी इवेंट्स वो भी आपका उसमें शामिल कर लिया जाएगा नए वाले घटनासार में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप घटनासार को पढ़िए अच्छे से बिना किसी कन्फ्यूजन के, जो मैं बता रहा हूँ ये सारा कुछ अथेंटिक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस सुनी सुनाई बात हो, मैंने खुद किया हुआ है और हमेशा से ही इसका अच्छा जरूर करें। ये सोर्स हो गया घटनाचार का, और आई दृष्टि भी बाद में आ जाएगी, तो आप आई दृष्टि भी पढ़ सकते हैं, वो तभी पढ़ पाएंगे जब आपका शुरू में घटनासार वगैरह तैयार होगा, ठीक है। अभी आप जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स तैयार करते चले, जैसे पेरिस ओलंपिक अब ख़त्म हो गया है तो पेरिस ओलंपिक से एक दो क्वेश्चन आना, तो इस तरीके से टॉपिक डिसाइड किया जाता है, ऐसा थोड़ी ना कि बहुत ज़्यादा था सागर करंट अफेयर आप तैयार ही नहीं कर पाएंगे, जैसे एक दो क्वेश्चन आपका पेरिस ओलंपिक से 100% आना ही आना है, बजट इकोनॉमिक सर्वे अभी हुआ है वो भी करंट अफेयर में ही माना जाएगा, चार क्वेश्चन कम से कम वहाँ से आएंगे, 4-2-6 हो गया, देखिए इसी तरीके से दो एक्सेस वो आएगा ही आएगा, जो इंडेक्स होता है रैंकिंग होती है इंडिया की रैंकिंग या कुछ ऑर्डर टाइप में आ जाता है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से आना ही आना है, या तो विदेशों में जो नियुक्तियाँ हुई हैं प्रधानमंत्री की वहाँ से आएगा, या तो राज्यपालों की नियुक्ति अभी हुई है या मुख्यमंत्री की मैचिंग में आ जाएगा, ऐसे ही जो है क्वेश्चन के ट्रेंड को पकड़ा जाता है। और देख सकते हैं आप, मैं अभी बता दूंगा पूरा 35 के 35 यहाँ बता दूंगा आपको कि ये टॉपिक से यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन ऐसी घटनाएं पूछता है जो कि कहीं विश्व में कुछ घटित हुआ रहा होगा, वो बहुत ही मतलब यूनिक टाइप का होगा, जैसे अभी इथियोपिया में आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा आपदा से लोग मारे गए हैं, या किसी के संसद में कुछ घटित हुआ होगा, जैसे हर बार अभी एक नया ट्रेंड पकड़ा है कि वहाँ के सांसद ने क्या मतलब कुछ ऐसी घटनाएं जो घटित हुई होती हैं वो पिछले 22 और 23 से एक नए तरीके का क्वेश्चन बना रहा है आयोग, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन चक्रवात से आना ही आना है, ठीक है, जो चक्रवात होता है करंट में कि चक्रवात कौन नाम दिया है, कहाँ पे आया, किस तट से टकरा, इस टाइप की मैचिंग में आ जाता है।
वो जो है हमेशा से आते रहेंगे। और जो भी चुनाव हुआ है भारत में भी, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अधिनियम जो भी नए नए पारित किए जा रहे हैं वहाँ से एक क्वेश्चन आने की प्रबल, ऐसा नहीं कि मतलब आ ही सकता है, हाँ, बट इसकी 99% गारंटी कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूर्ण है। एक आना है फ्रेंड्स, नेशनल राष्ट्रीय अवार्ड हो गया या जो भी आपका अवार्ड हो दिया जाता है वहाँ से एक क्वेश्चन आना है। इस तरीके एक क्वेश्चन जो है वो क्रिकेट से या खेल से आना ही आना है, या टेनिस से आएगा या क्रिकेट से आएगा। देख सकते हैं कि मतलब बता सकता हूँ कि जो 35 क्वेश्चन आ रही कहाँ से आ रहे हैं, ये मुझे कैसे पता चला। ऐसा तो है नहीं कि मुझे ऐसे ही पता चल गया कहाँ से आ रही है, मैंने एनालिसिस किया हुआ हर बार का, मैं पेपर अच्छे से बहुत करता हूँ, और मैं न केवल उसको जो है आसानी से करता हूँ बल्कि उसका ट्रेंड भी समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन बना रहा है एग्जामिनर। तो एग्जामिनर का जो थीम है उसको पकड़ने का प्रयास करता हूँ, तो इसी वजह से मैं आपको आसानी से बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को लेकर एकदम कॉन्फिडेंट रहिए कि जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा नॉलेज है ये, आप जो है इसको आप फॉलो करके आसानी से करंट अफेयर पे अपनी कमांड को आसानी से आप बहुत ही स्ट्रांग बना सकते हैं, और आप भी जो है आसानी से 30+ क्वेश्चन करंट अफेयर में सही करेंगे। बस जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे वैसे करते चाहिए, हाँ मेहनत करते रहिए, क्योंकि बिना मेहनत के फ्रेंड्स कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, मैं चाहे जितना भी आपको गाइड कर दूंगा, ये पढ़िए वो पढ़िए, उससे कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ आप ही करेंगे। मेरा तो काम मात्र बस आपको सजेस्ट करना है कि जो भी बच्चे हैं नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं किसी तरीके से, कोई दिक्कत आ रही है, उनको बस गाइड करना है, ठीक है। पढ़ना आपको पड़ेगा, जो भी आप करेंगे आप ही की बदौलत आप भी पास कर पाएंगे। मेरा तो मात्र एक माध्यम रहेगा कि मैंने आपको बताया, बाकी मेहनत आपको ही करनी है फ्रेंड्स। तो आप मेहनत करते रहिए, जो भी क्वेरीज है आप डालते रहिए कमेंट बॉक्स में, मैं जो है वो समय के साथ जो है सबकी जो भी क्वेश्चन है उसको मैं बताता रहूँगा। तो मैंने सोर्स भी बता दिया कहाँ से कहाँ तक पढ़ना, ये भी बता दिया, और एक मैं यहाँ पे और ऐड करूँगा यूट्यूब वीडियोज़। अब फ्रेंड्स जो है यूट्यूब वीडियो को जो होता है मंथली मैगजीन उसमें पढ़ाया जाता है, आप उसको ज़रूर देखें, वो आपको प्रैक्टिस करवाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब वीडियो पे जाकर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर की। तो इससे जो है क्या होगा कि करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना करंट अफेयर किया हुआ है। ये मैंने मतलब मैंने इसको यूज़ किया है काफ़ी ज़्यादा, मैंने यूट्यूब वीडियो मैं भी देखता था। तो आप भी इसको करिए, आपको बेनिफिट होगा। जो भी करंट अफेयर पे आप जाइए वहाँ यूट्यूब चैनल पे और डालिए मंथली करंट अफेयर, इसमें कोई चैनल का नाम नहीं है कि आप इसी से देखें करंट अफेयर, कहीं का भी आप देख सकते हैं। बस हाँ कोशिश ये करिएगा कि पीसीएस से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा ना, क्योंकि करंट अफेयर की अब तो पता है भरमार है। मैंने बताया ना, जैसे मैं ये टॉपिक्स बता रहा हूँ तो ये कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर मैं देखूँगा कि वो जो क्वेश्चन या बता रहा है वो करंट अफेयर यूट्यूब वीडियोज़ में या कहीं मैगजीन में वो आता ही नहीं पीसीएस में, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कई बच्चे होते हैं वो पढ़े मतलब कि कहीं से भी पढ़ डालते हैं सारा करंट अफेयर, करंट अफेयर तो बहुत अथासा, अगर आप पढ़ते ही रह जाएंगे दिन एक दिन में 100-100 करंट अफेयर आ रहे हैं, ये आपको छाँटना पड़ेगा, ठीक है। और छाँटेंगे कैसे, वो आपको सही गाइडेंस में होना चाहिए, सही पता होना चाहिए कहाँ से करंट अफेयर आ रहा है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। वरना जो है फिर वही होगा कि आप जो है 10-15 सही कर पाएंगे और फिर जो है कितना भी जीएस में अच्छा करेंगे और बाहर हो जाएंगे आप। तो यूट्यूब वीडियोज़ में जाके आप करंट अफेयर्स को देखेंगे, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि ये करंट अफेयर हमारे एग्ज़ाम से संबंधित है, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि एसएससी में भी करंट अफेयर आता है, उसका थोड़ा स्टैंड दूसरा होता है। इसी तरीके से हर एग्ज़ाम की अपनी अपनी डिमांड होती है, जैसे यूपीएससी में करंट अफेयर उसका भी दूसरा डिमांड है, यूपीपीसीएस के करंट अफेयर का दूसरा डिमांड है, ठीक है। करंट अफेयर के पूछने का तरीका अलग हो जाता है एग्ज़ाम्स में, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें जो है गाइडेंस सही होना बहुत ज़रूरी है। तो करंट अफेयर आप जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ जो एग्ज़ाम कई कराए जाते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ आप ये मत देखिए कि मेरा कितना सही हो रहा है कहाँ कितना रॉन्ग हो रहा है, आप बस ये कोशिश करिए जैसे उसमें कुछ अच्छे कि उसमें अच्छे अच्छे करंट अफेयर डाले जाते हैं, तो कम से कम 25-30, अगर आप 25-30 टेस्ट सीरीज़ अगर आप जो है कर लेते हैं तो आपका सोचिए, अगर एक टेस्ट सीरीज में 25 करंट अफेयर, तो आप अगर आपने 10 भी कर लिया तो कितना आपका 250 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तैयार हो जाएंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज बनाया जाता है ऐसा नहीं है कि कुछ, हालांकि कुछ अभी जो बहुत से यूट्यूब चैनल खड़े हो गए हैं जो कि कहीं से कोई किसी एक बार प्री भी नहीं निकाला, वो भी टेस्ट सीरीज बना रहा है, मतलब हद है, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर के साथ कहीं ना कहीं खेला जाता है। तो आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा अथेंटिक सोर्स को फॉलो करें, अथेंटिक यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करिए जिन्होंने कम से कम प्री एग्जामिनेशन कम से कम एटलीस्ट दिया हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि होता क्या है कि जिस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि किस तरह टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो मतलब आपको जो है सारे क्वेश्चन बता देगा और आप पढ़ते रह जाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अगर आप अच्छे यूट्यूब चैनल या अच्छे जो भी चैनल हैं जैसे धेआईएस वगैरह हो गया, तो यहाँ पर बहुत अच्छे करंट अफेयर जो भी वहाँ के टीचर्स होते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे करंट अफेयर बनाते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है कि कहाँ से करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर वो वहाँ से आप करंट अफेयर अगर किया हुआ है तो वहाँ से कम क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है, और नहीं भी आएगा ना तो उसको इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन आएगा पेपर में,
क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो आज से नहीं, वो बहुत पुराने बार बार प्रैक्टिस करिए, देखिएगा आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आपका करंट अफेयर तैयार हो गया। जरूरी नहीं कि कोई पूछ आप बता दें, होता है कि अनकॉन्शियस माइंड में आपका चीज़ें होती हैं, जब आप वहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात से आप मत डरिए कि मुझे याद ही नहीं कुछ, मैं मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, और ऐसे नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहे फ्रेंड्स, क्योंकि कई निगेटिव अब जो टाइम आ रहा है आपका, तो इसमें ऐसे डीमोटिव व्यक्तियों से दूर रहें जो मतलब खुद आपको डिमोटिवेट करेंगे, कुछ ऐसी बात क्वेश्चन पूछेंगे या कुछ उल्टा सीधी बातें करेंगे ताकि आप डिमोटिवेट हो जाएं। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे आपके फ्रेंड्स हैं जो पढ़ाई की ज़्यादा बातें करें, पॉजिटिव रहने की बात करें, उनसे आप बात करिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस गिर गया ना तो आप कितना भी पढ़ेंगे आप पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस को फ्रेंड्स जरूर बनाए रखिएगा, और जो भी मुझसे होगा मैं आपके वीडियो बनाता रहूँगा। हाँ, अभी जो भी करंट अफेयर के संबंधित वीडियो एक फ्रेंड्स कह रहे थे कि सर करंट अफेयर पर वीडियो बनाया जाए, अभी चूंकि मेरे पास उतना ज़्यादा सेटअप नहीं है फ्रेंड्स कि मैं करंट अफेयर पर वीडियो बना पाऊँ, थोड़ा सा ऑडियो इशू आ रहा है, उसको मैं जल्द ही सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। बट अभी चूंकि जॉब में होने के कारण मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, बट जो भी टाइम है मेरे पास मैं आपको अपना टाइम आपको देता रहूँगा, और आप ऐसे ही अच्छे से तैयारी करिए। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको और बड़ा परिवार बनाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ, और इसका जो भी नोटिफिकेशन आता है आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।